हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल राइट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। मैं हूं आपका दोस्त और रियल एस्टेट कंसल्टेंट नवीन सोलंकी। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ गए हैं सेक्टर 71 गुड़गांव में एसपीआर रोड के ऊपर में, और आज हम यहां पे इसलिए खड़े बिकॉज यहां पे जो है वो पिरामिड ग्रुप अपना एक नया अल्ट्रा लग्जरी हाई रेंज प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं पिरामिड अल्बन के नाम से। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिरामिड जो है वो जनरली अफोर्डेबल हाउसिंग में डील करता था, बट लेटर ऑन इन्होंने जो है दीनदयाल जनवास योजना के प्लॉट्स और हाई रेज में डील करना जो है स्टार्ट कर दिया। तो ये इनका फर्स्ट अल्ट्रा लग्जरी हाई रेज प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपका जो है वो 3 बेडरूम के ये फ्लैट्स लेके आए। तो आज हम खड़े हैं सेक्टर 71 आपका एसपीआर रोड के ऊपर। आज करेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल से चर्चा कि क्या इस प्रोजेक्ट के अंदर में अब स्पेसिफिकेशंस है, क्या इसकी प्राइसिंग है, क्या इसका पेमेंट प्लान है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी द लोकेशन, यहाँ पे जो है वो सेक्टर 71 एसपीआर रोड पे जस्ट अपोजिट टू डीएलएफ अल्मीडा के सामने ये आपका जो है लैंड पार्शल है। और ये जो आप देख रहे हो ये 5 एकड़ का लैंड पार्शल है, बिल्कुल एसपीआर रोड से ये आपका 24 मीटर रोड के ऊपर में पड़ता है। सामने आपका अल्मीडा की टाउनशिप है, साथ में आपका जो है व्हाइट लैंड के एससीओज है, M3M का ब्रॉडवे है। इधर अगर आप देखते हो तो इसी रोड पे आपका जो नया सिग्नेचर ग्लोबल का प्रोजेक्ट भी आ रहा है टाइटेनियम 71 के नाम से। तो ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है ये काफ़ी हैबिटेट वाला एरिया है, और अगर हम बात करें सराउंडिंग के अंदर काफ़ी अच्छी ऑक्यूपेंसी यहाँ पे देखने को मिलती है। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी आगे अगर जाते हो आप तो जो आपका SPR, CPR, NH8 सभी तरीके से आप इंटरकनेक्ट कर सकते हो। सोना रोड, सुभाष चौक, बादशाहपुर, गोल्फको एक्सटेंशन रोड, मुश्किल से आपका 2-3 मिनट के डिस्टेंस पे यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। तो इन टर्म्स ऑफ लोकेलिटी एंड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। बिल्डर के बारे में जैसे हम पहले ही जानते हैं, इस बिल्डर ने काफ़ी सारे अफोर्डेबल प्रोजेक्ट और साथ में आपके जो है दीनदयाल के प्लॉट्स ये डिलीवर किए हुए हैं। ये इनका फर्स्ट अल्ट्रा लग्जरी हाई रेंज प्रोजेक्ट रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, अब बात कर रहे थे प्रोजेक्ट डिटेल के बारे में। ये जो है 5 एकड़ का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर में अप्रॉक्सीमेटली 500 अपार्टमेंट्स हैं और 3 ही टावर हैं हाई राइज आपके जो है 45 स्टोरी के टावर रहेंगे, 4 टू 8 कोर के अपार्टमेंट्स रहेंगे। अपार्टमेंट साइजेस की अगर हम बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 2270 स्क्वायर फीट से लेके 2400 स्क्वायर फीट तक के अपार्टमेंट इसमें आपको देखने को मिलेंगे। 3 BHK प्लस सर्वेंट वाले ही सारे के सारे आपके अकोमोडेशन इसमें आपको देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे अच्छी चीज अगर हम बात करें तो वो ये है कि जनरली अगर आज की रेट में इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आप किसी भी डेवलपर का प्राइस पता करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 17,000 से 18,000 रुपये स्क्वायर फीट बेयर मिनिमम प्राइस आता है। बट इस डेवलपर का जो प्राइस अभी आज की रेट में है वो है 16,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का आस्किंग प्राइस। उसमें भी अगर आप अभी हमारे चैनल के थ्रू डील करते हो तो इसमें कुछ ना कुछ आपको और बेटर डील हम प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके लिए 1-to-1 डिस्कशन के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर पाएंगे। 45 स्टोरी का ये टावर है, सारे के सारे अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट्स हैं आपके, 1 लाख स्क्वायर फीट का इसके अंदर में क्लब हाउस देखने को मिलेगा, ट्रिपल हाइटेड लॉबी मिलेगी जो जनरली आज की डेट में आपको कहीं देखने को नहीं मिलती है। तो आप ये मान के चले कि सच में आपका 5-स्टार लग्जरी टाउनशिप वाला सिस्टम आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पेमेंट प्लान की। जनरली ज़्यादातर डेवलपर्स जो है वो CLP पेमेंट प्लान देते हैं, तो इन्वेस्टर फ्रेंडली पेमेंट प्लान नहीं होते, बट यहाँ पे आपको जो है वो फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान मिलेगा। इसमें 35-30-35 का 35% आपको इनिशियली 3 मंथ्स के अंदर देना होगा, 30% आपको जो है स्ट्रक्चर कंप्लीशन पे देना होगा, और फिर 35% पोजेशन पे। तो आप ये मान के चले कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लगभग 4 से 4.5 साल लगेंगे, और 4 से 7.5 साल में अप्रॉक्सीमेटली आप मान सकते हैं यहाँ पे आपको जो है वो लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये के बीच में कहीं रेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बेयर में 25 हज़ार रुपये के आसपास यहाँ पे आपको चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो ये आपकी जो है इस प्रोजेक्ट की डिटेल थी। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से काफ़ी बेटर एक ये प्रोजेक्ट निकल के आ रहा है जिसमें अगर हम बात करें एज एन इन्वेस्टमेंट भी देखोगे आप तो आप ये मान लीजिए भाई पहली पेमेंट देने के बाद लगभग आपको जो है 2 से 2.5 साल का टाइम मिलेगा, और नेक्स्ट पेमेंट के टाइम पर आपके पास में एक एग्जैक्ट पिक्चर निकल के आ जाएगी कि क्या आपको अप्रिसिएशन मिला क्या नहीं मिला, और उसके बेसिस पे आप एक एग्जैक्ट डिसीजन ले सकते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट को निकालना चाहिए या फिर इसके साथ में सस्टेन करना चाहिए। लिविंग पर्पज से भी काफ़ी बेटर ऑप्शन है बिकॉज सराउंडिंग में हर चीज़ की फैसिलिटी जो कि यहाँ पे डेली बेसिस पे किसी भी पर्सन को चाहिए होती है ना, वो सब कुछ यहाँ पे डे 1 पे आपको अवेलेबल हो जाएगा।
तो दीज आर द ऑल थिंग। फर्दर कोई भी आपकी क्वेरी होती है रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड कीप सपोर्टिंग।